नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। मणिपुर में पिछले दो महीने से लगातार जो है वहां पे हिंसा देखने को मिल रही है। कई लोग अपना घर गंवा चुके हैं, अपनी जमीन गंवा चुके हैं, अपनी जान तक गंवा चुके हैं, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आ रही है। लेकिन जब देखा गया कि पूरा मामला और ये आग जो है मणिपुर की ठंडी पड़ रही थी, तभी 4 मई का एक ऐसा दर्दनाक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहीं ना कहीं लोगों के दिल में उसने जख्म कर दिया और ये बात लोगों के मन में खड़ी कर दी कि क्या अभी भी जो है 2023 जो नए युग का भारत कहा जा रहा है, विश्व गुरु जिसे कहा जा रहा है, कि वहां पे अभी भी महिला सेफ है कि नहीं है। वहां देखा गया, माफ कीजिएगा, कि निर्वस्त वहां पर जो है महिलाओं को परेड कराई गई। इसमें कई लोगों का चेहरा आइडेंटिफाई किया गया, पुलिस उनको सजा दे रही है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का वहां पर बड़ा बयान आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब मणिपुर पर जब उन्होंने बोला, जब बात कही, उसके बाद राहुल गांधी ने भी पलटवार किया और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़े शब्दों में कहा कि अब आपको यहाँ पर कार्रवाई करनी होगी। पिछले दो महीने से आप शांत थे, आपका मंत्रालय शांत था, तो आगजनी इतनी बड़ी। और लगातार कांग्रेस पार्टी यही सवाल उठा रही है कि आगजनी का बढ़ने का यही कारण है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे। और आपको ट्वीट पढ़ के बताएंगे कि उस ट्वीट में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी, मुद्दा यह नहीं है कि देश के लिए शर्म की बात है, मुद्दा यह है कि मणिपुर की महिलाओं की अपार पीड़ा और यातना झेल रही हैं, हिंसा को तुरंत जो है यहां पर रोका जाए। और इतना ही कहते जो है पूरे सोशल मीडिया पर यहां पर राहुल गांधी के समर्थक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधने लगे कि आखिर प्रधानमंत्री हिंसा रोकने में असफल कैसे हो गए, जिनको हर बात की जानकारी होती है, जो हर उनका सिस्टम इतना तेज है कि जहां भी कोई बोलता है उसको कैच करके तुरंत यहां पर जो है प्रधानमंत्री अपनी बात कहते हैं। मन की बात, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन होते हैं मन की बात के लिए, वहां प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी जाती है। तो आखिर मणिपुर के लोगों की मन की बात अभी तक प्रधानमंत्री तक पहुंची क्यों नहीं, ये लगातार सवाल जनता उठा रही है, लगातार सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और इसी बीच देखा गया कि संसद में भी मणिपुर के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ और वहां पर चिल्ला चिल्ला के सांसद कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कहाँ है, प्रधानमंत्री कहाँ है, उनको बुलाइए, वो मणिपुर पर ध्यान दें, क्योंकि पिछले दो महीने से देखा जाए तो मणिपुर पर ध्यान नहीं दिया गया है और बस उसको ऐसे ही जलने दिया गया। और लगातार अब विद्रोह जारी हो चुका है और मणिपुर पर यहाँ पर लगातार कई पार्टियां ट्वीट कर रही हैं, कई लोग लगातार यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे हैं कि ये बड़ी शर्म की बात है कि आज के इंडिया में भी इस तरीके से जो है देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ इतनी यातनाएं हो रही हैं और मणिपुर को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर जो है वहां पर शांति बहाल की जाए और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लगातार यही मांग जनता की तरफ से उठ रही है, यही मांग विपक्षी दलों की तरफ से उठ रही है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।